स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी, आज क्लास 9th में को फिजिक्स में दूसरा लेसन जो है बल तथा गति के नियम, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने गति के बारे में पढ़ा था कि गति क्या है और गति के समीकरण। आइए आज देखते हैं अपने दूसरे लेसन को जो है बल तथा गति के नियम, इसका मतलब फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा इस चैप्टर में है, सबसे पहले है बल, तो उसके बाद आया है गति के नियम। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बल के बारे में कि क्या है बल। बल जनरली देखा जाए तो वह इसकी परिभाषा को देखें, बल वह बाह्य कारक होता है, मतलब एक एक्सटर्नल इंप्लीमेंट है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था। मैंने इससे पहले आपको लेसन 1 में बताया था किसको कहेंगे विराम की अवस्था और किसको कहेंगे गति की अवस्था। विराम की अवस्था मतलब किसी मूल बिंदु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ भी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, और गति की अवस्था में अगर वो समय के साथ साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन कर लेता है तो इसको हम गति की अवस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं बल के बारे में। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है और या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल होते हैं 2 प्रकार के, ऐसे बल होते हैं जनरली बहुत से आ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी आपको 2 ही प्रकार का देखना है। एक है असंतुलित बल और एक है संतुलित बल। देखते हैं असंतुलित बल क्या है या किसको कहेंगे असंतुलित बल। जब वस्तु पर लगने वाले बलों का परिणामी, मतलब अगर एक ही वस्तु है जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस पर 2 बल लग रहे हैं या 2 से अधिक भी लग सकते हैं, बलों का परिणामी बल 0 ना हो, मतलब 2 बल किसी वस्तु पर, जैसे इस वस्तु पर F1, एक वस्तु है जिसपे 2 बल F1 और F2 लग रहे हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये 5 न्यूटन, ये 7 न्यूटन, लेकिन इनका परिणामी जो इस पर 0 ना हो, मतलब उस मूल बिंदु पर लगने वाले बल 0 ना हो, तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं। ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। असंतुलित बल लगने से वस्तु की विराम अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसको फिगर से समझते हैं, ये एक वस्तु है, इस पर 2 बल लग रहे हैं F1 और F2। F1 बराबर हम 5 न्यूटन ले सकते हैं और F2 बराबर 7 न्यूटन। इधर से अगर एक धक्का दे रहा है और एक इधर से देख रहा है, इसका मतलब एक ही वस्तु पर 2 बल लग रहा है लेकिन दोनों के परिमाण अलग अलग है, ये 5 न्यूटन और ये 7 न्यूटन। तो ये क्या होगा, ये वस्तु जिसका बल, ये किधर से बल लग रहा है, किधर से बल लग रहा है, ये ज्यादा है, तो ये वस्तु कितने न्यूटन के, F बराबर 2 न्यूटन के बल से इधर खिसकेगी। कैसे आया ये हम निकाल सकते हैं, F2 माइनस F1, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 2 न्यूटन। और ऐसे बल को, चूंकि परिणामी इसका 0 नहीं है 2 है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल। और ये बल ज्यादा लग रहा है तो क्या होगा, वस्तु विराम अथवा गति की अवस्था में, तो वस्तु अगर विराम में तो इधर गति करने लगेगी, ऐसे बल को हम कहते हैं असंतुलित बल। अब हम अपने अगले टॉपिक में पढ़ेंगे संतुलित बल किसको कहेंगे। आइए देखते हैं अब अपने अगले टॉपिक में जो है संतुलित बल। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा जस्ट अभी किस असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल में हम लोग देख रहे हैं जो परिणामी है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं संतुलित बल क्या होता है, इसकी परिभाषा। यदि वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से अधिक बल लगे हो, किसी वस्तु पर, ये एक वस्तु है, इस पर 2 बल लग रहे हैं या 2 से अधिक भी बल लग सकते हैं, तथा उनका परिणामी बल 0 हो, परिणामी बल यहाँ क्या होना चाहिए, 0 हो, तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक ही वस्तु को 2 बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं और उनका परिणामी बल 0 है, तो ऐसे बल को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बल लगे होने से वस्तु की विराम या गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर संतुलित बल लग रहा है तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जिस अवस्था में रहती है उस अवस्था में ही रहेगी। जैसे ये 2 बल है, एक F1 है और एक F2 है, और इनका परिणामी 0 है, तो इसका मतलब F1 बराबर -F2 होगा, मतलब ये विपरीत दिशा में लग रहा है, तभी तो हम निकालेंगे F बराबर F1 माइनस F2, तो ये बराबर है और विपरीत है, तो ये F इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 0। तो यहां से हम लोगों ने देख रहा है कि संतुलित बल कहेंगे किसे कहेंगे और असंतुलित बल किसे कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। ये अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक में जो है गति का नियम। जैसे जनरली
गति के नियम हम लोगों का है बल तथा गति के नियम। अभी हम लोगों ने बल के को पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम के बारे में। तो देखते हैं क्या है गति का नियम। वैसे गति के तीन नियम है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम। क्या है गति का प्रथम नियम, इसको देखते हैं। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है। मतलब यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था मतलब विराम की अवस्था या एक समान गति की अवस्था में कंटिन्यूअस वो गति कर रही है तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, मतलब उस पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर एक समान गति की अवस्था में तो एक समान की गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी बल कार्य ना हो। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, गुणात्मक रूप से गति का प्रथम नियम किसी वस्तु के अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इसी कारण गति के पहले नियम को किसका नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। अगर जड़त्व का नियम पूछे तो भी क्या है, गति का प्रथम नियम। अब आगे देखते हैं कि ये जड़त्व क्या है। जड़त्व की बात करें, इनर्शिया, किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब अगर जड़त्व है तो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अब किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप कहने का मतलब समझिए, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसके जड़त्व का गुण उतना ही अधिक होगा। और जड़त्व क्या है, वो उसकी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अगर वो विराम अवस्था में तो चाहेगी हम विराम अवस्था में रहेंगे, और अगर गति की अवस्था में है तो चाहेगी हम गति की अवस्था में ही रहें। जड़त्व होते हैं दो प्रकार के, एक विराम का जड़त्व, एक गति का जड़त्व। जैसे हम कह रहे हैं कि विराम का जड़त्व कहने का मतलब अगर वो विराम की अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहना चाहेगा, और गति की जड़त्व मतलब अगर वो गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहना चाहेगा। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, अगर हम पेड़ को हिलाते हैं तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो टूट कर अलग हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, इसको समझते हैं। जैसे ही हम पेड़ को हिलाते हैं, पेड़ तो टहनियां गति की अवस्था में होती है लेकिन उसके पत्ते पहले विराम की अवस्था में रहते हैं, तो वो चाहते हैं हम अपनी विराम की अवस्था में रहें, यही कारण वो टूटकर अलग हो जाते हैं। कंबल को जब हम लोग फटकते हैं या उसको हिलाते हैं तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसका कारण भी जड़त्व तो ही है, क्योंकि जब हम कंबल को हिलाते हैं तो उसके वो तो विराम की अवस्था में आ जाता है, वो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन उसके कण विराम की अवस्था में रहने चाहते हैं, यही कारण वो कंबल से अलग हो जाते हैं। अगर कोई भी वस्तु जैसे कोई भी गाड़ी अगर गतिमान है तो गति की जड़त्व को समझे, अगर कोई वस्तु गतिमान हो और अचानक ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर भी क्या होता है, झुक जाता है। ये सब किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण। और जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसके जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। आइए अब देखते हैं अपने दूसरे टॉपिक में गति का द्वितीय नियम। इसके पहले हम लोगों ने गति का प्रथम नियम पढ़ा था और जड़त्व के बारे में, अब देखते हैं गति का द्वितीय नियम क्या है। ये इस नियम को देखें, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, बल है, बल को प्रदर्शित करते हैं किससे, एफ से, उस वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं एम से, तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण, त्वरण को प्रदर्शित करते हैं ए से, के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जो बल है वो द्रव्यमान और उससे उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोग इसको लिखते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, यहाँ ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है। और तो यहाँ से हमको क्या मिला कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं तो वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु की बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इसी को हम लिखते हैं एफ बराबर के एम ए, जहाँ के इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को या इसको हटाते हैं तो एक नियतांक पुट करते हैं के। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप से व्याख्या। बल के बारे में पढ़ा, गति के नियमों असंतुलित और संतुलित बल के बारे में पढ़ा, गति के नियमों को देखा जिसमें गति का तीन, गति के तीन नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। उसके बाद द्वितीय नियम को हम लोगों ने जस्ट उसके पढ़ लिया और उसको गणितीय रूप से व्याख्या नहीं की है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संवेग और गति के द्वितीय नियम की गणितीय रूप से व्याख्या। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संवेग के बारे में कि क्या होता है संवेग, जिसको कहते हैं मोमेंटम। देखिए,
इसकी परिभाषा को देखा जाए तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसके वेग वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। अब ये वेग प्रारंभिक वेग भी हो सकता है और अंतिम वेग। जनरली देखें तो किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल को ही हम वस्तु का संवेग p कहते हैं। इसको p से प्रदर्शित करते हैं और लिखते हैं क्योंकि गुणनफल है तो p बराबर m v। यह है संवेग का फॉर्मूला। तो संवेग p बराबर क्या होगा m v। मात्रक की बात करें इसका मात्रक m का मात्रक किलोग्राम और v वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग देखते हैं गति के द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या। गति का द्वितीय नियम क्या है और ये हम लोगों ने उससे पहले भी पढ़ा था, एफ बराबर के एम ए या एम ए, इसकी को हम देखते हैं। ये गति का द्वितीय नियम, इसको अगर देखा जाए तो ये एक और चीज भी बताता है कि गति का द्वितीय नियम हमें यह बताता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। या इसको समझिए, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो आइए देखते हैं कि गति का द्वितीय नियम को किस तरह हम गणितीय रूप में व्याख्या कर सकते हैं या एफ बराबर एम में हम लिख सकते हैं, इसको प्रूफ करना है। तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग, वेग एक प्रारंभिक वेग होता है और एक अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग को प्रदर्शित करते u से और अंतिम वेग को प्रदर्शित करते v से। तो माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक एक निश्चित बल f लगने पर उसका वस्तु का वेग, उस वस्तु का वेग v हो जाता है, मतलब v अंतिम वेग है। तब इसका प्रारंभिक वेग, देखिए यहाँ पे तब इसका प्रारंभिक संवेग p1, ये है प्रारंभिक संवेग क्योंकि यहाँ पर हमने प्रारंभिक वेग को लिया और वस्तु का द्रव्यमान तो m होता है, तो p1 बराबर mu तथा अंतिम संवेग p2 बराबर mv होंगे। ये रहे दो संवेग के बराबर में, एक प्रारंभिक संवेग p1 m2 mu तथा अंतिम संवेग p2 बराबर mv। अब हम लोग लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की कितना होगा, तब उसके बाद हम उसको लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। तो सबसे पहले देखते हैं संवेग में परिवर्तन, हम यहां से लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन कितना परिवर्तन हो रहा है। संवेग में परिवर्तन इसको लिख सकते हैं p2 माइनस p1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 माइनस p1, जहां p2 अंतिम संवेग है क्योंकि अंतिम वेग ये और p1 प्रारंभिक संवेग है। अब हम p1, p2 और p1 का मान यहां से रखें तो हम यहां से लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 का मान है mv और p1 का मान है mu। अब यहां दोनों में m है तो m कॉमन कर ले, तो लिखे संवेग में परिवर्तन m कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा v माइनस यू। अब आपको गति का द्वितीय नियम क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर बराबर लगाया गया बल। तो हम इसको आगे लिखें तो इसको लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर, दर है इसका मतलब समय से भाग देंगे और समय कितना था t समय तक लग रहा था, तो m v माइनस यू अपॉन t, यह है संवेग में परिवर्तन की दर या लगाया गया बल F, क्योंकि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, लगाए गए बल के। तो हम यहां से लिख सकते हैं एम वी माइनस यू अपॉन टी और अब यहां से लिख लें एफ एम। यहां देखिए गति के प्रथम समीकरण को देखिए, ये
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन की दर है, और वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? त्वरण। तो त्वरण को प्रदर्शित करते हैं हम ए से, तो यहां से हम लिख सकते हैं एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ ए। और यहां पर इसको लिख लिया जाए ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, जहां ए त्वरण है, ये क्या है त्वरण। तो हम इसको हटाएं, जब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएं तो एफ बराबर के एम ए, और यही क्या है आपका गति का द्वितीय नियम। अब हम लोग अपने अगले पार्ट में पढ़ेंगे गति का तृतीय नियम।